ये है होटल में कैमरा खोजने के धंधा तरीके। दोस्तों पिछले साल भारत के नोएडा में एक होटल के कमरे के अंदर हिडन कैमरास लगे हुए पाए गए थे, जिसके बाद पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी और होटल्स को शक की नजरों से देखा जाने लगा था। सभी होटल्स के कमरों में कैमरे नहीं लगे होते, मगर इस कलयुग में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होटल स्टे पर जाएं तो कमरे में इन चीजों को जरूर चेक कर लें। नंबर 10, लिसन आउट फॉर स्लो क्लिकिंग नॉइस। जब आप किसी होटल के कमरे में जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद जो चीज आपको सबसे पहले करनी चाहिए वो है छोटे से छोटे साउंड और नॉइस पर गौर करना। अमूमन ज्यादातर कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में आवाज नहीं आती, पर इतना जरूर है कि उनमें से हल्की सी क्लिकिंग नॉइज जरूर आती है, जिसे अगर सुन लिया जाए तब आप छुपे हुए कैमरा को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये करके कोई अपराध कर रहे हैं, बल्कि जहां बात आपकी प्राइवेसी की आती है तो उसको बचाने का अधिकार आपको कानून खुद देता है। इसलिए जब पुख्ता हो जाए कि कमरे में कुछ गड़बड़ है तो शांत ना रहें और तुरंत एक्शन लें। नंबर 9, चेकआउट द इलेक्ट्रॉनिक्स इन रूम। होटल जो है कोई भी हो, उसके कमरे में टीवी, एसी, स्पीकर्स, चार्जिंग अडैप्टर्स जैसे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर होते हैं। अमूमन लोगों का इन पर ध्यान नहीं जाता और वो सोचते हैं कि भला इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई कैसे कैमरा छिपा सकता है। बस यही सोचकर लोग धोखा खा जाते हैं, जिसका कई बार खामियाजा भी चुकाना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि होटल के कमरों में हिडन कैमरास कमरे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि लगाने वालों को भी मालूम होता है कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देंगे। अब जब आपको ये पता ही चल गया है तो बस इन्हें जरूर चेक किया करें। नंबर 8, लुक फॉर एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट। जब भी आप होटल के कमरे में जाते हैं और अगर अंदर पहुंचते ही आपको वहां कुछ अटपटी सी, मेरा मतलब कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे आपने अमूमन होटलों के कमरों में रखा नहीं देखा, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की अटपटी चीजों में कैमरा लगाकर उन्हें होटल के कमरों में रख दिया जाता है। अकेले व्यक्ति की रिकॉर्डिंग से भले ही फर्क ना पड़े, पर जब कोई कपल होटल में स्टे करने को जाता है तब कई बार उनके प्राइवेट मोमेंट्स लीक हो जाते हैं, जो कि गलत है, और ये कारण है कि कपल्स को ऐसी अटपटी चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, चेक सीलिंग फैन। जब बात पंखे की आती है तब बहुत ही कम लोग ये सोच पाते हैं कि पंखों में भी कैमरा लगाया जा सकता है, और यही लोग चोट कर जाते हैं। सामने अगल बगल के सीन में तो कोई बाधा भी आ सकती है, पर पंखे से पूरा कमरे का व्यू क्लियर दिखाई देता है, जिसको चेक ना करना हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जब भी होटल के कमरे में जाएं तो अन्य चीजों के साथ साथ पंखे को भी पलंग पर खड़े होकर ध्यान से देखें, और कमरे में अंधेरा हो सके तब तो और भी बढ़िया, क्योंकि अंधेरे में पंखे के अंदर अगर कैमरा लगा होगा तो इस कैमरे की छोटी से छोटी लाइट भी आराम से दिख जाएगी। नंबर 6, फायर अलार्म एंड स्मोक डिटेक्टर्स। होटलों के कमरों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स यूं तो लोगों की सेफ्टी के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, मगर आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि इन्हें भी कैमरा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब सेफ्टी के बहाने आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाई जा सकती है। दुनिया भर में ऐसे मामले सामने आए हैं जब होटल रूम्स में लगे फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर से कैमरा और छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बरामद हुए हैं। तो ध्यान रहे कि इन सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भी जरा सा नजरअंदाज न करें, वरना इसके घातक परिणाम आपको और आपके पार्टनर को भुगतने होंगे। नंबर 5, चेक अनलीडिंग वायर्स। अनलीडिंग वायर्स होटल के कमरों में छिपाए गए कैमरे को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इनसे सीधे तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी प्राइवेसी खतरे में है या नहीं। इतना तो आपको पता ही होगा कि जब भी किसी कमरे में वायर्स लगे होते हैं तब उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्शन किया होता है। हालांकि अगर होटल के कमरों में ऐसा नहीं है और जो वायर्स आपको दिख रहे हैं वो कहीं और जा रहे हैं तो ध्यान देने वाला विषय है, क्योंकि हो सकता है वो वायर्स किसी कैमरे से कनेक्टेड हो और उनकी डेस्टिनेशन बाहर किसी सिस्टम तक हो जो रिकॉर्ड हुई वीडियोस को सेव करता जाए। नंबर 4, स्कैन वाईफाई नेटवर्क। यूं तो होटल्स के अंदर आजकल वाईफाई की सुविधा भी मिलने लग गई है, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी वाईफाई के बहाने आपके साथ खिलवाड़ भी हो सकता है? दरअसल कई बार कुछ वायरलेस कैमरास वाईफाई नेटवर्क की मदद से भी ऑपरेट हो जाते हैं, और क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ साधारण सा वाईफाई नेटवर्क है, इसलिए वो ऐसे नेटवर्क्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई हिडन कैमरा होटल रूम में आ रहे वाईफाई सिग्नल से कनेक्टेड है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नेटवर्क स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाए उसके ठीक बाद आपको उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट रहना है जिसके डिवाइसेस को आप डिटेक्ट कर रहे हैं। स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाने के बाद इंतजार कीजिए, और फिर रिजल्ट आने के बाद उसमें आईपी कैमरा जैसे किसी भी तरह के सस्पिशियस नेम को नोटिस कीजिए। अगर इस तरह का कोई नाम आपके डिवाइस में आ रहा है तभी होटल का कमरा आपके लिए सुरक्षित नहीं, जिसकी आप फिर किसी एक्सपर्ट से जांच भी करवा सकते हैं, क्योंकि मामला आपकी प्राइवेसी का है। नंबर 3, यूज स्पेशलाइज्ड आरएफ डिटेक्टर। दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर का वैसे तो आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी होटल के कमरे में छुपे हुए कैमरा का पता लगाने में कभी कभी ये मददगार साबित हो जाता है। दरअसल ज्यादातर हिडन कैमरास की खासियत होती है कि वो ऑपरेट होते वक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एमिट करते हैं, जिन्हें स्पेशलाइज्ड आरएफ डिटेक्टर आराम से डिटेक्ट कर सकता है और होटल वालों की पोल खोल सकता है। वैसे अगर आपके पास आरएफ डिटेक्टर डिवाइस नहीं है तब आपका मोबाइल भी आपके काम आ सकता है, क्योंकि आज के समय में प्ले स्टोर पर कई जेन्युइन आरएफ डिटेक्टर ऐप्स मौजूद हैं जो आराम से आरएफ सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेंगे। नंबर 2, चेक गिफ्ट आइटम्स। कई बार गिफ्ट आइटम्स के जरिए भी आपके कमरे में हिडन कैमरा पहुंच जाता है। कई बड़े होटल्स में चलन होता है कि वो अपने गेस्ट को ऑन अराइवल कोई गिफ्ट या फूलों का गुलदस्ता देते हैं, जो कि गेस्ट्स को इम्प्रेस कर देता है। खैर ये भी आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को आप होटल का नाइस जेस्चर समझ के अपने सामने या बगल में रखी टेबल पर रख लेते हैं वही आपके साथ बड़ी चोट करवा सकता है। टेक्नोलॉजी के इस युग में छोटे हिडन कैमरास भी डेवलप हो गए हैं, जिन्हें गिफ्ट आइटम्स के साथ आराम से अटैच किया जा सकता है, और अगर आप धोखे से भी गिफ्ट्स पर लगे ऐसे हिडन स्पाई कैमरास की व्यू रेंज में आ गए तब तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और गलत मंशा लेकर बैठा सामने वाला व्यक्ति अपने मंसूबों में कामयाब होकर आपकी प्राइवेसी में सेंध लगा देगा। इसलिए हमें भावनाओं में ना बहकर ऐसे गिफ्ट्स से भी सावधान रहना चाहिए।
नंबर एक, चेक फॉर पेन कैमरास। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी आज इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि इसकी मदद से आज लगभग हर काम किया जा सकता है। जो चीजें एक समय पर हमें बड़ी लगती थी उन्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से छोटा बना दिया गया है, और इसमें कैमरा भी शामिल है। पेन का इस्तेमाल यूं तो कुछ लिखने के लिए किया जाता है, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि यह पेन आज कई लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। दरअसल दुनिया में ऐसे पेन भी इजाद हो गए हैं जिनके अंदर आराम से स्पाई कैमरास लगाया जा सकता है। अब भले ही पेन कैमरा बनाया किसी अच्छे मकसद से गया हो, पर कई होटल वाले इसका इस्तेमाल अपने गलत मंसूबों को पूरा करने और अपनी प्राइवेसी में सेंध लगाने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि आप होटल के कमरे में जाओ और वहाँ आपको कहीं आसपास पेन रखा दिखे। अमूमन पेन जैसी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, पर इसी बात का फायदा दूसरे को मिल जाता है। इसलिए जब भी अपने होटल रूम में ऐसे किसी पेन को देखें तो उसकी जांच जरूर कर लें, वरना आपका काम भी निपट सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ,